ग्रीन सिनेमा अवार्ड की अगर आप बात करें तो मुझे भोजपुरी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और काफ़ी टाइम पहले जब मैं मुंबई आया था तो भोजपुरी से रिलेटेड काफ़ी सारे ऑफ़र आए थे, लेकिन मेरे जो रिलेटिव हैं, जो भोजपुरी रिलेटिव हैं, उनके पास जाकर उनसे बात कर जो प्यार मिलता है मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि दुनिया प्यार की भूखी है और वो लोग बहुत प्यार करते हैं। तो ग्रीन सिनेमा अवार्ड में मैं गया और सेलिब्रिटी के रूप में वहाँ पर मुझे बुलाया गया और बहुत प्यार मिला और बहुत अच्छा लगा, लेकिन वहाँ जाकर के काफ़ी कुछ मैंने सीखा और बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस रहा है, और एक्सपीरियंस के लिए ही मैं वहाँ पर गया था। और आपके चैनल के माध्यम से जिन्होंने मुझे बुलाया था सरस सर ने, मैं थैंक यू बोलता हूँ उनको, सर थैंक यू सो मच, आपने मुझे इस लायक समझा। स्टार भारत में एक सीरियल चल रहा था गुप्ता ब्रदर। एक्चुअली क्या हुआ, हितेन तेजवानी सर एक ग्रेट पर्सनालिटी हैं और सीनियर एक्टर हैं। जब मैं उनके पास गया था तो सर थोड़ा बिजी थे, मैंने सोचा कि मैं एक अच्छे कैरेक्टर करूँगा, छोटे मोटे कैरेक्टर अभी तक किए थे सीरियल्स के अलावा। तो जिस दिन मैं गया वो सर बोले आज तो कैरेक्टर नहीं, आज ड्यूब कर लो, तो मैंने सर का ड्यूब किया। लेकिन मेरा जब शूट होने वाला था और शूट हुआ भी, उसके एक महीने बाद सीरियल ही बंद हो गया, क्योंकि उस पर TRP नहीं आ पाई, तो इसलिए जो काम था वो पेंडिंग में रह गया। और सर आपके नए नए प्रोजेक्ट्स कौन से कौन से हैं? नए प्रोजेक्ट के बारे में काम तो काफ़ी सारे लगे हुए हैं, लेकिन अभी एक फिल्म है जो UP में शूट होने वाली है, तो प्लानिंग चल रहा है, कास्टिंग और स्क्रीन टेस्ट मेरा हो चुका है। और एक क्राइम सीरीज हम शूट कर रहे हैं पूना में, वो भी जल्द आने वाली है। तो बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट आ रहे हैं और बहुत अच्छा लगेगा आपको देख करके, और अच्छा काम करने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं। देखिए, हमारे जो किसान भाई हैं वो हैं तो हम लोग हैं, क्योंकि जो हम खाते हैं ना, जिसकी वजह से हम जीते हैं। क्योंकि दुनिया में आप कितना भी पैसा कमा लो, कितनी भी लाइफ बना लो, कुछ भी कर लो, लेकिन खाना तो आपको खाना पड़ेगा ना। तो जब आप खाओगे तभी जिंदा रहोगे, लेकिन खाना कौन पैदा करता है? जितना भी अनाज है जो हमारे देश में पूरी दुनिया में आता है वो सब किसान भाई करते हैं। तो किसान भाई इस टाइम परेशान है तो समझ लो दुनिया परेशान है, और मैं दुआ करता हूँ अल्लाह पाक परवरदिगार उनकी सारी परेशानियों को दूर करे। और हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं मिस्टर नरेंद्र मोदी जी, मैं अपने प्रधानमंत्री जी से गुजारिश करता हूँ कि किसान भाइयों की बातों को सुने और वो जो चाहते हैं उसको करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है देश में, और दिल्ली की जो कंडीशन है बहुत ख़राब है, काफ़ी लोग परेशान हो चुके हैं, काफ़ी लोग मतलब बहुत ज़्यादा परेशान है, और काफ़ी सारे लोग इस दुनिया से चले भी गए। और मैं दुआ करता हूँ जो किसान आंदोलन में लोग इस दुनिया से गए हैं वो सिर्फ हमारे देश की जनता के लिए, किसान भाइयों के लिए इस दुनिया को छोड़कर गए हैं, और जो भी हुआ उनके साथ अच्छा नहीं हुआ, लेकिन दुआ करता हूँ ऊपर वाला वो जहाँ पर भी हैं अल्लाह पाक उनको खुश रहे, परवरदिगार उनको खुश रखे। और किसान आंदोलन में मैं सारे किसान भाइयों के साथ हूँ और हमेशा साथ था और हमेशा साथ रहूंगा इंशाल्लाह। आपके लाइफ में कोई है? मेरी लाइफ में कोई नहीं है। मतलब क्या क्या मतलब क्या कौन क्या गर्लफ्रेंड? नहीं, मुझे गर्लफ्रेंड में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं अगर दुनिया में प्यार करता हूँ तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मेरे लिए मेरे पेरेंट्स हैं, उसके आगे मैं किसी को मानता नहीं। और सर आप
शादी कब करेंगे? देखिए सर, एक्चुअली क्या है, गर्लफ्रेंड की अगर बात करो, एक कलाकार जो होता है वो बहुत मेहनत करता है और इतना स्ट्रगल उसको करना पड़ता है कि वो जानता भी नहीं कि उसके साथ क्या क्या लाइफ में होगा। अगर हम गर्लफ्रेंड बना लेते हैं तो जो हमारा फ्यूचर है, जो हमारे ड्रीम्स हैं कि हमें लाइफ में ये करना है, उसकी वजह से प्रॉब्लम होती है, ऐसे मेरा मानना है। बाकी सबकी चॉइस अलग है। तो मुझे गर्लफ्रेंड में कोई इंटरेस्ट नहीं लगा और मैं अभी इस लायक नहीं हूँ कि मैं कोई भी गर्लफ्रेंड बनाऊँ और उससे बातचीत करूँ, और जो भी होगा देखते हैं क्या होता है। लेकिन फिलहाल तो पेरेंट्स से ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। जहाँ माँ बाप बोलेंगे वहाँ मैं शादी करूँगा, जैसे आपने कहा था कि आपको शादी करके जा, मेरे अगर पेरेंट्स जिसको बोल देंगे मैं उससे शादी करने के लिए रेडी हूँ, और इंशाल्लाह इसी साल में जल्दी होने वाली भी है शादी, ऐसा लग रहा है मुझे। मुंबई में तो मैं रहता हूँ, मेरा एक बेस्ट फ्रेंड है, फ्रेंड ही नहीं मतलब भाई है, और बहुत खास है वो, मेरी जान है और उसके बिना अधूरा मेरा ये जहान है। बहुत अच्छा लड़का है, बहुत प्यारा लड़का है, राहुल अमीन खान, और बड़ा बहुत खूबसूरत भी है, स्मार्ट है, बहुत स्मार्ट है, टैलेंटेड भी काफ़ी है। उसके काफ़ी सारे प्रोजेक्ट मार्केट में हैं, आते रहते हैं और आने वाले भी हैं। बड़े बड़े सेलिब्रिटी के साथ उसने काम किया है। तो हम दोनों एक साथ रूम में रहते हैं, एक ही साथ रहते हैं, मेरा रूममेट भी है उसका, और मेरा बिहेवियर उसका मेरे साथ बिहेवियर बहुत अच्छा है, और मुझे बहुत अच्छा लगता है राहुल अमीन खान के साथ रहना। तो आपके घर के बारे में कुछ बताएंगे? फैमिली में तो सभी लोग हैं, 5 भाई हैं, 2 पेरेंट्स हैं, अच्छी फैमिली है। और क्या आप नहीं, एक्चुअली मैं प्यार हुआ नहीं हुआ वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं प्यार के लायक ही नहीं हूँ मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैं अभी सिर्फ काम करना चाहता हूँ, मैं लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं लेता। सर, आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स? जैसे मैंने अभी आपको बताया था, अभी एक वेब सीरीज तो जल्द रिलीज होने वाली है इसी महीने में, और हॉरर वेब सीरीज है, एंड प्रोड्यूसर है उसके अखिल भाई, प्रोड्यूसर है। लोनावाला में हम लोगों ने शूट किया है, गोवा हम लोगों ने शूट किया है, और काफ़ी सारी प्यारी प्यारी लोकेशन है, और बहुत अच्छा लगा है उनके साथ शूट करके। जो पल हमने उनके साथ गुजारे हैं वो हमें हमेशा याद रहेंगे, और उन्हीं का एक प्रोजेक्ट है मार्केट में, जल्दी शूट होने वाला है, तो हम लोग तैयारी कर रहे हैं बस। नेक्स्ट तो हमारी क्राइम सीरीज है, शूट है आपका, औरंगाबाद में शूट होने जा रहा है, तो इंशाल्लाह देखते हैं क्या होता है। देखिए सर, YouTube की बात आपने की, अच्छी बात बोली है, लेकिन सर, हमने सुना है कि आपका वीडियो ट्रेंडिंग में चला है। मैंने यूपी के 2 सीरियल किए थे, सबसे पहला सीरियल था सन्नो बेवफा है, और दूसरा सीरियल था शालू के रसगुल्ले। तो सन्नो बेवफा और शालू के रसगुल्ले का फर्स्ट एपिसोड दोनों ट्रेंडिंग में चले थे, फर्स्ट नंबर पे, काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स रहा, करोड़ों व्यूज आए, 50 मिलियन 30 मिलियन हर वीडियो पे व्यूज गए थे। तो मतलब एक्सपीरियंस के लिए मैंने किया था और अच्छा काम किया है, और अभी तो मैं यूट्यूब में कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है, सिर्फ प्रोफेशनल काम करने के लिए लगा हुआ और कर भी रहा हूँ। मेरे मालिक का करम है, अल्लाह पाक का, परवरदिगार का, अच्छे लोग हैं, साथ दे रहे हैं, काम कर रहे हैं, बस कर रहे हैं कोशिश। अगर आपको काम करने का मौका मिले तो आप किस एक्टर के साथ काम करना चाहेंगे? सर, अगर काम करने का मौका मिलेगा तो मैं तो सारे एक्टरों के साथ काम करूंगा जितने बड़े बड़े सेलिब्रिटी है। कौन ऐसा एक्टर है जो सलमान खान के साथ काम करना नहीं चाहता? मेरा तो, मैं तो बहुत प्राउड फील करूंगा कि मैं इतने बड़े सेलिब्रिटी के साथ काम करूंगा। लेकिन सलमान भाई की अगर आपने बात की है तो मैं आपको एक बात बता देता हूं। जब भारत फिल्म का शूट चल रहा था तो भारत का जो कास्टिंग था वो मुकेश छाबड़ा जी कर रहे थे, और रियल लाइफ प्रोडक्शन है, अतुल अग्निहोत्री जी उसके फाइनेंसर थे, रियल लाइफ प्रोडक्शन का ऑफिस है रिचा बिल्डिंग में, टी सीरीज के पास में। तो भारत के ऑडिशन के लिए मैं गया था, और उसमें गौतम सर जी एक मैनेजर थे, उन्होंने मुझे सेलेक्ट किया, मेरा एग्रीमेंट फाइनल हो गया था, मेरा शूट होने वाला था, लेकिन पता नहीं इतनी डायरेक्टर ने कुछ क्या हुआ मतलब समझ में नहीं आया, तो मेरे को पेमेंट दे दिया, लेकिन फिल्म में जो कैरेक्टर था
वो किसी और को मिल गया, या शायद उनको लगा कि मैं इस लायक नहीं हूँ। मैं तो ये नहीं जानता कि उन्होंने क्यों दिया, लेकिन मैं सिर्फ ये सोचता हूँ कि मैं शायद इस लायक नहीं था कि मैं सलमान भाई की फिल्म में काम करता। तो जो कैरेक्टर था वो डायरेक्टर के कोई रिलेटिव थे तो उन्होंने उसको दे दिया। अब्बास अली डायरेक्टर थे उसके सर। तो न्यूज़ 100 में आकर मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी मिलती है, और न्यूज़ 100 की जितनी भी टीम है मैं उनको दिल से थैंक यू बोलता हूँ कि आप लोग हमें बुलाते हो और हमारा प्रमोशन करते हो, हमें हमारी जो बातें हैं, जो हमारे दिल में होती हैं, जो हम कहना चाहते हैं, वो आप लोगों तक पहुँचाते हो। तो मुझे बहुत खुशी मिलती है न्यूज़ 100 की। और हमारे जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं सुजान अमीन खान, तो सर आपका तो हक बनता है कि आप तो बहुत अच्छे इंसान हो और आपने पूछा, हमारा प्रमोशन किया, उसके लिए आपको दिल से थैंक यू। और न्यूज़ 100 में तो मैं ऑडियंस से, पब्लिक जो भी देख रही है, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ इस चैनल को थोड़ा सपोर्ट करें, प्यार बनाए रखें और थोड़ा शेयर करें। वैसे तो काफ़ी सारे बड़े बड़े चैनल हैं जो आप लोग देखते हो, आप लोग सपोर्ट करते हो उनको। तो अगर कोई इंसान अच्छा काम कर रहा है, एक बड़े सेलिब्रिटी तो दुनिया देखती है, लेकिन कोई छोटे से एक्टर को स्टेज पे लाकर उसकी जो मन की बातें पब्लिक तक पहुंचा रहे हैं, तो न्यूज़ 100 बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो थैंक यू न्यूज़ 100 को दिल से।